22 सितंबर 2021, आज की साकार मुरली। मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं, उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर, उन्हें समझाओ कि ये आदि सो अंत वाली आत्मा है, जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं, भगवान तो एवर प्योर है, उसने इनके तन का आधार लिया है। आज का गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है, जैसे हठयोगी सन्यासी समझते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती, शांति जंगल में मिलती है। परंतु बाप समझाते हैं शांति वहाँ भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो? बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। ये शरीर तो तुम्हारी कर्मिंद्रियाँ हैं जिससे तुमको पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, न विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस, पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी भाव। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है, 84 जन्म भी आत्मा लेती है। अभी बाप ने समझाया है, जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं, कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे, कोई के 80-82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं, इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर कह देते कण कण में भगवान है। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूँ, तो जानवर पत्थर ठिकर कण कण में कैसे होगा? बाप ने समझाया है, नंबर वन ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो ज़रूर पतित होगा, पावन तो हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं, पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है जब बड़ा होता है, वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर वन है श्री कृष्ण, भल वही फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूँ जिसका आदि से लेकर अंत तक पाठ है, दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूँ। हिसाब है ना,
ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु ये हिसाब है ना, ये समझने की बातें हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते, ये और कोई का काम नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है, बनी बनाई बन रही, चिंता ताकि कीजिए, ये अभी की बात है, जो होनी है वही होती है, वह बदल नहीं सकते। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसा लिख दो, फिर भल वे आकर पूछें, लिखने में कोई हर्जा नहीं है, ये लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू, महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है, इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे, युग भी इक्वल हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, कोई मून में जाते, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते हैं, ये सब हैं फालतू, इससे कोई भी फायदा नहीं, मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते, कुछ भी करें परंतु वापस घर जा नहीं सकते, आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है, आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है, फिर मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, अपनी ग्लानी करते हैं, बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, वह भी पुजारी नहीं बनते, उनका पाठ ही यहाँ नहीं है, इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पाठ है यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ये भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं, उनका चित्र ही नहीं, मुख से कहते हैं परंतु वे कहाँ है, शिव क्या चीज है वह भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं, मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियाँ मारते रहते हैं, ओ गॉड फादर जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते आए हैं, ये भी समझाया गया है। भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है, ये कहानी सारी भारत पर है, वह तो बाई प्लॉट हैं, बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है, उनको भी सुख दुख भोगना है, झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वे बड़े शोभनिक होते हैं, नयों को फिर सतो रचो तमो में जरूर आना है, पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है, एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं,
ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं, वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं, तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, अभी तुम फिर ले रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत हैं भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु उनका अर्थ न खुद समझते हैं न किसको समझा सकते हैं। भगवान उवाच, तो ज़रूर भगवान आया था, तब तो कहा होगा ना, हे बच्चों, भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं, बाप आते भी हैं भारत खंड में, भारत ही अविनाशी खंड है, उनकी महिमा बहुत भारी है, जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में ही परम पिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सदगति करते हैं, सबको सुख देते हैं, उनका बर्थ प्लेस भारत है, भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही है। भगवान तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी गुरु तो ढेर हैं, कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं, जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं, पहले अच्छा जन्म फिर उतरते आएंगे, दुनिया की भी उतरती कला होती है, मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है, सत्युग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं, बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देकर गया, वे सब कहाँ गए। लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो बाप बुलाकर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया। बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत हैं, बाप धर्मात्मा है, बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपए उड़ा आते हैं, बाप कुछ कर नहीं सकता, बाप फारकती भी नहीं दे सकते, क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं, वे हैं हद की बातें, ये है फिर बेहद की बात। बेहद का बाप कहते हैं, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो, इतना धन कहाँ किया। बच्चों से ही बाप पूछते हैं, भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए। फिर बाप ही बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़े कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते गए, टिप्पण भी घिस गए, पैसे आदि सब कुछ कमा बैठे, ये है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं, भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना, भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए, ख्याल तो करो भारत क्या था, ये भी ड्रामा बना हुआ है, भारत ही हेवन भारत ही हेल, अभी है नर्क, इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना,
नक्शे बिगर बच्चे क्या समझें, बाप ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज से सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, ये पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। सत्युग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो शादमाना मनाते हैं, यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नर्क में था ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप आते ही हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मौफिक आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है, यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, राजस्व स्वराज्य के लिए ये सब अश्व अर्थात शरीर इसमें स्वाहा होने हैं। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, फिर नए सिर सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही हैं नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। ये एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए। इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझ, भूल जाना है। दूसरा, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण, जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वे मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। ओम शांति। वो नजर में है
वक्त समाप्त हुआ।
बता दो फ्रेंड्स, जवाब ऑप्शन सी उल्टा चार्ट। ढेरों ढेर बधाई आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं आगे, रखते हैं आज का छठवां प्रश्न। प्रश्न है, बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में किसे कहेंगे? वह भी अगर पूज्य है, वह भी पुजारी नहीं बनते। चार ऑप्शन, ऑप्शन ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी श्री लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी शंकर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, बड़ा ही प्यारा प्रश्न, बता दीजिए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ, चलिए हम बता दें सही जवाब, ऑप्शन डी शंकर। तो ढेरों ढेर बधाई आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब। रखेंगे सातवां प्रश्न। प्रश्न है, बाबा कहते मैं तो राज्य नहीं करता, तुमको डैश बनाता हूँ। चार ऑप्शन, ऑप्शन है विश्व राज्य अधिकारी, ऑप्शन बी विश्व महाराजन, ऑप्शन सी राजाओं का राजा, ऑप्शन डी विश्व का मालिक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता दें सही जवाब, ऑप्शन सी राजाओं का राजा। तो ढेरों ढेर बधाई आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब। आठवां प्रश्न। प्रश्न है, भारत ही हेवन भारत ही हेल, अभी है नर्क, इसलिए बाबा ने क्या बनवाई है जो कभी कोई भी समझे हम पतित हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन है प्रदर्शनी, ऑप्शन बी म्यूजियम, ऑप्शन सी सृष्टि चक्र, ऑप्शन डी सीढ़ी। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताना है इसका भी सही जवाब और ले जाना है आज तो ताज, कन्फर्म। ढेरों ढेर बधाई आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब। नौवां प्रश्न। प्रश्न है, बीती बातों को कभी भी क्या नहीं करना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन याद, ऑप्शन बी वर्णन, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी मनन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए बताइए सही जवाब, बताइए। बता दें सही जवाब, सही जवाब है ऑप्शन सी चिंतन। ढेरों ढेर बधाई आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब। का अंतिम प्रश्न। प्रश्न पेश हुआ है, वरदान पूरा करो डैश बन, हर कर्म युक्त करने वाले कर्मन्वन मुक्त भवा। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मास्टर शांति सागर, ऑप्शन बी मास्टर नॉलेजफुल, ऑप्शन सी मास्टर सर्व शक्तिवान, ऑप्शन डी मास्टर त्रिकालदर्शी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंतिम प्रश्न पेश हो चुका है, इसका भी बता दीजिए सही जवाब। हो सकता है फिर आप आज पढ़ ही जाए ताजधारी, बस कुछ सेकंड्स की दूरी है, फिर तो मालूम ही चल जाएगा कौन ताजधारी बना है। वक्त समाप्त हुआ, चलिए बता दें सही जवाब। सही जवाब है मास्टर त्रिकालदर्शी। ढेरों ढेर बधाई आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब। हमें दीजिए इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक इन बधाइयों को हमेशा याद करते रहिएगा, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहिएगा और श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाते रहिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।